हेलो फ्रेंड्स, अप टू नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त जो आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा है कि व्हाट्सएप में किस तरह से आप अपना लास्ट सीन, अपनी प्रोफाइल, अपना अबाउट और स्टेटस किस तरह से आप कॉन्टेक्ट्स के साथ शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आप जैसे ही व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाएंगे, आप देखेंगे स्क्रीन खुल के आएगी। उसके बाद जो सबसे पहले ऑप्शन दिख रहा है अकाउंट, आप जैसे उस अकाउंट पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपके सामने पाँच ऑप्शन आ रहे हैं, अपना प्रोफाइल और लास्ट सीन हाइड करने के लिए या कॉन्टेक्ट्स के साथ शेयर करने के लिए आपको प्राइवेसी पर क्लिक करने का प्राइवेसी पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप प्राइवेसी पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन आ रहा है लास्ट सीन का, और मैंने उस पर नोबडी कर रखा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा लास्ट सीन सिर्फ मेरे ही कॉन्टेक्ट्स देखें जिनके नंबर मेरे मोबाइल में सेव हैं, तो मैं माई कॉन्टेक्ट्स पर क्लिक कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि जिनके नंबर मेरे मोबाइल में सेव नहीं है वो लोग भी मेरा लास्ट सीन देख सकें, तो मैं इसके लिए एवरी वन पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरी जो प्रोफाइल फोटो है वो मेरे कॉन्टेक्ट्स ही देख पाएँ, तो माई कॉन्टेक्ट्स पर क्लिक रहेगा, जैसा कि अभी मैंने कर रखा है। आप चाहते हैं कि आप प्रोफाइल फोटो तो लगाएं लेकिन कोई देख ना पाए, तो आप इसके लिए नोबडी पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे आप चाहते हैं कि अबाउट में आपका जो अपना बायो आपने जो अपडेट कर रखा है व्हाट्सएप में, आप चाहते हैं कि हर कोई आपका बायो देख पाए, तो उसके लिए आप एवरीवन पर क्लिक कीजिएगा। अदरवाइज़ आप माई कॉन्टेक्ट्स एंड नोबडी आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्लिक कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि आप जैसे लास्ट सीन पर क्लिक करते हैं और अगर आपने नोबडी पर क्लिक कर दिया तो आप भी किसी का लास्ट सीन नहीं देख पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी, उसके बाद स्टेटस पर आते हैं। स्टेटस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो भी आजकल स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको जो स्टेटस है वो कुछ लोगों को छोड़कर सबके साथ शेयर हो, तो आप उसके लिए माई कॉन्टेक्ट्स एक्सेप्ट करके जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टेटस आप कुछ ही लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए ओनली शेयर विद करके आप उन पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट्स को सेलेक्ट करके आप अपना स्टेटस शेयर कर सकते हैं, और फिर वही लोग आपका स्टेटस देख पाएंगे जिन लोगों के साथ आपने ओनली शेयर विद ऑप्शन दिया है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइव लोकेशन एक व्हाट्सएप का नया फीचर आया है। उसके अंदर आप आपकी जो लाइव लोकेशन है, अगर आप किसी को अपनी लाइव लोकेशन शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर के GPS ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। आप चाहते हैं कि आप मैसेजेस पढ़ भी लें लोगों के लेकिन औरों को पता भी ना लगे, उसके लिए क्या होता है कि आप ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही मैसेज आता है किसी का आपके पास, या अगर आप किसी को मैसेज करते हैं तो वो डबल टिक आ जाता है, और अगर वो पढ़ लेता है या पढ़ लेती है मैसेज को तो उसमें ब्लू लाइन आ जाती है। लेकिन आप चाहते हैं कि आप किसी का मैसेज पढ़ भी लें और उसके पास, सामने वाले के पास जो मैसेज सेंड कर रहा है उसके पास ब्लू टिक भी ना आए, उसके लिए आप जो रेड रिसिप्ट का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर नीचे की तरफ, आप उसको जो उसका जो चेकबॉक्स ऑफ कर सकते हैं। इस तरह से मैंने तो चेकबॉक्स ऑन कर रखा है। आप चाहते हैं कि मैसेज जो रीड हुआ है वो शो भी हो, तो आप इसके लिए वापस से इसको चेकबॉक्स को ऑन कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। अप टू नाउ के माध्यम से आप जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन से जितने भी नए फीचर्स डे टू डे लाइफ में लॉन्च होते रहते हैं उससे आप अपडेट रह सकते हैं। आप बॉलीवुड की दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में, या दुनिया भर में जहाँ भी कोई कुछ भी हो रहा हो, अप टू नाउ के माध्यम से आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। तो